हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, मैं हूँ आपकी सीमा डोबियाल। आज हमारे साथ हैं नवाबों के शहर से एक नवाब जिनका नाम है रोहन शुक्ला। लोग इन्हें ट्रैक्सन के नाम से भी जानते हैं और ये हैं एक डीजे और म्यूजिक प्रोड्यूसर भी। तो रोहन, मेरा पहला सवाल आपसे ये हुआ कि आपने अपना स्टेज नेम ट्रैक्सन ही क्यों रखा? तो मैं बताना चाहूँगा कि इसके पीछे एक छोटी सी फनी सी स्टोरी है। बेसिकली हर आर्टिस्ट को अपना एक ऐसा यूनिक नेम रखना होता है जो कि कहीं ना कहीं उसको एक यूनिकनेस दे, ठीक है। सो मेरे नाम के पीछे की जो कहानी है वो बेसिकली ये है कि ट्रैक्सन एक एडिडास के शूज़ का नाम है। तो बेसिकली मैंने सोचा कि चलो इसका और कोई ब्रांड है नहीं, लाइक एडिडास ट्रैक्सन इज ऑलरेडी अ ब्रांड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक स्पेलिंग का, लाइक TRAXION उसके शूज़ का नाम है, मैंने सिर्फ आई को ई कर दिया और देन मैंने उसको अपना ब्रांड बनाने की कोशिश की। और क्या बताना चाहेंगे? ओके, तो मेरी बेसिकली मेरा नाम रोहन शुक्ला है, ठीक है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मेरा आर्टिस्ट नेम ट्रैक्सन है। मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड डीजे भी हूँ। म्यूजिक प्रोडक्शन मैंने खुद से सीखा है, अराउंड 2011 से मैं म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहा हूँ, सेल्फ टॉट म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ। और यूट्यूब और मैंने कुछ फ्रेंड्स वगैरह जो हेल्प कर सकते थे उन्होंने मेरे को लाइक म्यूजिक प्रोडक्शन में काफ़ी कुछ सिखाया। मिक्सिंग मास्टरिंग एंड डीजिंग मैंने पुणे से लेमन अकेडमी से सीखा है और मेरे मेंटर थे अभिषेक आफ्टर मॉर्निंग, जो कि एक वेल नोन म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं ऑलरेडी इंडस्ट्री में। और इसके अलावा मैंने सिविल इंजीनियरिंग भी कर रखी है, मैं बीटेक हूँ सिविल इंजीनियर साथ ही। और अभी मैं जो लाइक फुल टाइम जो मेरा वो म्यूजिक प्रोडक्शन एंड डीजिंग चल रहा है। मतलब आप सिविल इंजीनियरिंग को छोड़ चुके हैं? हाँ यस, मैंने LMRC में लाइक जॉब की थी, देन मैंने ऐसे रिजाइन करके वापस मैं अपनी पर्टिकुलर इसी फील्ड में आ गया। तो जॉब छोड़ने से आपके फैमिली का क्या रिएक्शन रहा था? फैमिली का रिएक्शन देखिए, हर फैमिली में ना एक उनको ऐसा चीज़ चाहिए होती है कि स्टेबिलिटी रहे आपकी किसी भी वर्क में। सो तो बेसिकली जॉब तो जॉब ही है, नो डाउट। उनको तो सबको, हर फैमिली को चाहिए कि उनका बेटा या बेटी जॉब ही करे। तो पहले मुझे प्रूव करना पड़ा कि लाइक हाँ म्यूजिक प्रोडक्शन में मैं कुछ कर सकता हूँ। देन अगर जब मैंने उन्हें प्रूव करके दिखा दिया तो फिर उन्होंने मैं थोड़ा सपोर्ट करना शुरू किया। तो भाई अभी मेरे फैमिली फुल सपोर्ट करती है मुझे म्यूजिक प्रोडक्शन और डीजेइंग में। जो रिलेटिव्स थे उनका क्या रिएक्शन क्या था उनका? रिलेटिव्स तो मेरे आज ही बोलते हैं भाई क्या कर रहे हो, जॉब आप कर लो, सरकारी नौकरी ढूंढ लो। तो आप किस टाइप के म्यूजिक सुनना ज्यादा पसंद करते हैं? कौन से जॉनर है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है? सो एज अ म्यूजिशियन मैं हर टाइप की म्यूजिक सुनता हूँ। रीजन क्या है कि मैं एक मल्टी जॉनर आर्टिस्ट हूँ, मींस मैं ऑलमोस्ट सारे जॉनर, आप इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ले लो, आप सूफी ले लो, आप हिप हॉप ले लो, आप रोमांटिक ले लो, XYZ डबस्टेप, एवरी जॉनर मैं प्रोड्यूस भी करता हूँ और मैं सुनता भी हूँ। तो आपको कब ऐसे रियलाइज हुआ कि आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना चाहिए? मतलब आपको बचपन से ही ऐसे गाने का शौक था या फिर आपको बड़े होकर कभी रियलाइज हुआ या आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिली है? इसके पीछे मेरा एक फ्रेंड था क्लास 8 में, सो उस टाइम पे ना एक सॉफ्टवेयर आता था वर्चुअल डीजे, क्योंकि अभी भी आता है थोड़ा। तो मैं वो मेरे घर पे ना, हम लोग ऐसे ही, मेरा 2008 में नया नया PC आया था तो हम लोग गेम्स वगैरह एक्सचेंज करते थे, वो उसकी पेन ड्राइव में एक भी वर्चुअल डीजे मुझे मिल गया। बस वहीं से मुझे चस्का लग गया कि म्यूजिक बनती कैसे है, कैसे लोग बनाते हैं। सो 2011 में मुझे लाइक DAW के बारे में पता चला कि कोई सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे म्यूजिक प्रोड्यूस होती है। तो एक अभी लाइक इंडस्ट्री में बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, लीजो एंड डीजे चेतस, अपने नाम सुना उनके गाने में। तो डीजे लीजो, लाइक लीजो जॉर्ज, इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था कि FL स्टूडियो एक डॉ है जिससे म्यूजिक बढ़ती है। 2011 में मैंने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके फिर सीखना शुरू किया खुद से, लाइक करते करते। जैसे कि आपने बताया कि आपने लखनऊ में एक अपनी अकेडमी खोली, तो लखनऊ में ही क्यों? मतलब आप चाहते तो किसी भी मेट्रो सिटी में, दिल्ली वगैरह जगह पे खोल सकते थे, तो आपने लखनऊ में ही क्यों खोली अपनी अकेडमी? तो बेसिकली क्या हुआ था, जब मैं पुणे गया था सो लखनऊ में ऐसा कोई अकेडमी नहीं थी, तो मुझे मतलब मजबूरन बाहर जाकर के सीखना पड़ा, या दिल्ली या पुणे या मुंबई, तीन ही ऐसी सिटी हैं बैंगलोर जहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, लाइक म्यूजिक प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट या फिर सर्टिफिकेट अकेडमीज या लाइक कॉलेज वगैरह जो है म्यूजिक से रिलेटेड। वो हमारे यहाँ पे भी भातखंडे है लखनऊ में, लेकिन वो क्लासिकल उस पर रिलेटेड है। तो म्यूजिक प्रोडक्शन का कोई भी वहाँ पे कुछ ऐसा कोर्स नहीं है। तो मैंने, मेरा जो माइंड मोटिव यही था, मेन मोटिव, कि मैं अगर लखनऊ में ऐसी चीज़ ओपन कर दूँ तो लोग यहाँ से बजाय, मतलब पुणे या दिल्ली जाने के बजाय आप यहीं पे वो चीज़ सीख लो और कम कॉस्ट में। सो अगर आप रेट वाइज देखोगे तो ऑल ओवर इंडिया मेरी जो एकेडमी है वो सबसे सस्ती है। तो हाँ, तो मैंने यही सोच करके रखा कि जितना डबल पैसा आप वहाँ देते हो उसका आधे पैसे पे आप मुझे यहाँ पे सीख लो,
जो गियर्स जितना पैसा बचेगा वो आप गियर्स ले लो उससे। तो आपने किस नाम से अपनी एकेडमी? सुन हाँ, मेरी एकेडमी का नाम है ट्रैकजॉन म्यूजिक हाउस। हम म्यूजिक प्रोडक्शन और डीजेइंग दोनों सिखाते हैं, प्लस एनालॉग का भी हम बताते हैं उसमें, और वो साथ में रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है। आपकी लाइफ में ऐसा कौन आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है? कहते हैं ना हमारी लाइफ में एक आइडल होते हैं जिनको देख के हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, फिर बहुत इंस्पायर होते हैं उनको देख के, तो ऐसा कौन? हां ऑफ कोर्स, हां मोटिवेट तो मैंने बताया था ना, लाइक 2011 में मुझे एक प्रोड्यूसर ने DAW के बारे में बताया था, तो मैं सीरियसली अगर मैं किसी को एडमायर करता हूँ तो है लीजो जॉर्ज, जिन्होंने अभी लाइक बॉलीवुड में काम कर रहे हैं DJ चेतस के साथ, तो उन्हीं की वजह से मैं म्यूजिक प्रोडक्शन में था हूँ और लाइक अभी रहूँगा भी, तो काफ़ी कुछ जो भी मुझे लाने वाले हैं वो वही हैं। आपकी जो लेटेस्ट रिलीज रहे हैं वो भी हमने देखे हैं, और हमें पता चला है कि आप म्यूजिक प्रोडक्शन और डीजेइंग के अलावा आप सिंगिंग भी करते हैं, तो क्यों ना फिर एक छोटा सा हमारी ऑडियंस के लिए छोटा सा सॉन्ग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, एज अ प्रोड्यूसर मैं काफ़ी लाइक रिकॉर्डिंग कराता रहता हूँ, तो मुझे नॉलेज हो चुकी है कि हाँ सिंगिंग में ऐसा ऐसा कुछ होता है, बट माफ़ करना मैं सही में सिंगर नहीं हूँ। सो मैं अभी अपना लेटेस्ट जो रिलीज आया तेरी कमी, मैं उसका एक ही पार्ट सुनाता हूँ। सो जीने को जिंदगी काफी मेरी थी, पर डूबा मैं तेरी आंखों में, जीने को चाहूं तो कुछ ना कमी थी, पर रोका तेरी यादों ने रोका मुझे, तेरी यादों ने रोका, कुछ भी ना कहता ये दिल मेरा, कुछ भी ना कहता दिल में बसी है तू पर सामने नहीं है, तेरी जुदाई ये दिल मेरा हर पल सहता, जीने को जिंदगी काफी मेरी थी, पर डूबा मैं तेरी आंखों में। हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं आने वाले हैं, जैसे कि अभी एक तेरी कमी जिसका वीडियो शूट होने वाला है, साथ ही कुछ पार्टी ट्रैक जो है हम न्यू ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं कि हम उसे न्यू ईयर से पहले निकाल देंगे, और उसके अलावा भी हमारे पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक 8 to 10 सॉन्ग जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं एल्बम के साथ, और हैं काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत ही जल्दी लाइक और कुछ इस लाइक एंड ऑफ द ईयर और कुछ नेक्स्ट ईयर भी जो है वो रिलीज होंगे, और डेफिनेटली वो धमाकेदार प्रोजेक्ट्स होंगे। थैंक यू ट्रैकजॉन फॉर कमिंग ओवर हियर, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आई रियली होप कि आपको हमने भी इतना एंजॉय किया हो। जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं थैंकफुल हूँ ग्रूव नेक्सस का, आपका और हिमांशु सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और इतना प्यारा इंटरव्यू लिया, थैंक यू सो मच।